जाने नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त और पूजा विधि। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से नवरात्रि और नववर्ष का पर्व प्रारंभ हो रहा है। 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को माता रानी अश्व पर सवार होकर आ रही है। पंचांग के अनुसार कोई तिथि क्षय नहीं होगी, ऐसे में इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन ही रहेंगे। आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना पूजन की संक्षिप्त जानकारी। 1. 13 अप्रैल 2021 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से 10:14 तक रहेगा, अर्थात लगभग 4.25 घंटे यह मुहूर्त रहेगा। 2. इसके अलावा दोपहर 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। 3. इसके बाद दोपहर 11:50 से 1:25 तक अमृत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अब जानिए घट स्थापना की पूजन विधि। 1. नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थल की भी अच्छे से सफाई करें। 2. फिर माता दुर्गा की तस्वीर पर हार फूल चढ़ाएं। तस्वीर के बाईं ओर सामने एक चौड़े मुंह वाले किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें सप्तधान या फिर जौ बो दें। 3. फिर उस मिट्टी पर एक कलश रख दें। कलश में पवित्र जल भर दें। उसके बाद कलश के ऊपरी भाग यानी कि गर्दन पर कलावा बांध दें। 4. इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पल्लव रखें। फिर उस पल्लव के बीचों बीच एक नारियल रख दें। नारियल पर भी कलावा बांध दें। 5. इसके बाद फिर माँ दुर्गा का आवाहन करें और दीप जलाकर कलश की पूजा करें। 6. माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा पढ़ें। 7. अंत में माता की आरती उतारें। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.